सर, जैसा कि टाइटल है, ये है इंडिया, भारत के बारे में फिल्म है। एक NRI लड़के की स्टोरी है, मिकी, जिसका किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ। UK में पढ़ा लिखा है, वहीं पे इसका जन्म हुआ है, लेकिन इसके बाप दादाजी वो भारत से हैं। तो विदेशों में भारत की छवि कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कोई भी मतलब यहाँ से जाता है, बोलते हैं कि भाई वहाँ पे गंदगी बहुत है, गरीबों का देश है, भुखमरों का देश है। तो लेकिन इसने जो किताबें पढ़ी हैं इस किरदार ने, तो वहाँ पे भारत की बहुत तारीफ है कि भारत तो इतना अमीर देश था, सोने की चिड़िया। तो इसके मन में हमेशा ये रहता है कि ऐसा क्या है आखिर कि लोग उसके बारे में बुरा क्यों बोलते हैं। तो वो वहाँ से एक उसकी शर्त भी लगती है जिसके साथ वो प्यार करता है, कैसे किन हालातों में वो एक बार भारत को समझना चाहता है कि भारत है क्या। तो उस लड़के की पूरी कहानी है, UK से आके इंडिया में पूरे हर एक स्टेट में जाता है, क्या क्या उसके साथ वाक़यात होते हैं, धीरे धीरे कैसे सिस्टम के खिलाफ सिस्टम में पकड़ा जाता है, फिर उसको सुपर इंडियन का खिताब भी मिल जाता है। लोग सब उसको, जैसे आजकल कोई चीज़ हो जाए तो व्हाट्सएप या जितना भी है वायरल हो जाती है, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें, तो हमने उस चीज़ को भी दिखाया गया कि बिना वजह या किस चीज़ से एकदम से आप वायरल हो जाते हो। तो ये फिर उसको सभी बोलने लगते हैं कि यार ये ना तो इंडिया का है, UK का लड़का है, लेकिन फिर भी इतना प्यार रखता है देश के प्रति, ये वो। तो इसको एक सुपर इंडियन का नाम मिल जाता है। फिर पॉलिटिकल कैसे इन्वॉल्व होता है, तो ये सब पूरे सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम के बारे में, तो इन सब चीज़ों का मिश्रण है इसमें। मैं बिल्कुल सर, मैं वही, इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि कभी भी हम घर पे आज बात करते हैं कि मुझे घूमने जाना है, कहते कहाँ भाई, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, तब वो बोलता है कि यार तूने भारत कितना घूमा है। और वाकई अगर मैं आप सबसे भी पूछूं, ऑडियंस से पूछूं, सभी हैं कि अपने खुद भारत कितना घूमा है। मैंने खुद भी मतलब इतना नहीं था, तो वो मैंने वाकई सोचा यार कि हाँ, हम अपने देश को कितना जाना है। बट ड्यूरिंग दिस फिल्म मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि मैं हमने 7-8 अलग अलग स्टेट्स में शूट किया, वहाँ के कल्चर को मैंने समझा, कल्चर को जाना, वहाँ से वहाँ के लोगों को मिलना, तो वो एक लगाव जो मेरा था और बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि आप फिल्म देखने के बाद दर्शकों को अपने देश के प्रति और उनका प्यार और बढ़ जाएगा। सर, हर एक मूड का है बेसिकली इसमें, मतलब रोमांस भी है, जो एक फिल्म, एक हिंदी फिल्म के लिए एक वो चाहिए कि इसका जोनर पेट्रियटिज्म है, बट इट्स अ रोमांटिक फिल्म आल्सो एज वेल, कि लड़का है, उसकी मंगेतर है, उसकी गर्लफ्रेंड है, फैमिली के साथ प्यार है, फैमिली वैल्यूज़, इमोशंस, सबको छोड़ के वो यहाँ आता है। जब आप फिल्म देखेंगे तो उसमें उसके परिवार भी है, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, तो वो जो है वो सैड सिचुएशन है, तो सैड सॉन्ग भी है। जब उसको अपनी यादें आती है, तो जब मिलते हैं, तो रोमांटिक सॉन्ग भी है, फैमिली वाला सॉन्ग भी है। फिर अगर वो पूरे हिंदुस्तान में घूमता है, तो उसके कल्चर को लेकर भी एक गाना, हर एक अपने देश प्यार का भी एक गाना है। तो बहुत सा मसाला है आपको इस फिल्म में जी। सर, मुझे पूरा भारत का हर एक जगह अच्छी लगी। तो ज़्यादातर हमने राजस्थान में शूट किया था, सबसे ज़्यादा वहाँ पे मैं ज़्यादा रहा, तो बहुत अच्छा, मतलब किसी भी 7-8 स्टेट्स में हम लोग गए थे, तो बहुत ही मिलनसार लोग हैं, सब अलग अलग कल्चर उनके साथ, गाँव से लेके शहर का जो कल्चर था सब सोचा समझा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, जो हमारे हॉस्पिटैलिटी, तो हमारे मतलब जो एक अतिथि देवो भवा हम बोलते हैं, है ना, तो जब जाते थे तो जो हॉस्पिटैलिटी थी लोगों की बहुत ज़्यादा, के कभी शूट कर रहे हैं कोई कहते हैं कि आज हमारा राजस्थान का ये दाल भाटी या ये वो है, तो अलग अलग खिलाते बहुत थे, आज हमारे घर पे ये है, ये है, ये है। तो वो जो एक प्यार है, सब चीज़ें बहुत छोटे छोटे, बहुत से वाक़यात हैं, तो अभी शेयर करने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि ऐसा बहुत मुझे अच्छा लगा उनका मेहमान नवाजी, जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हमने एक थोड़ा सा यूथ ओरिएंट इसको किया है, और एक मैसेज जो है कि आप बदलेंगे तो देश, क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में भी बात की है, हर जगह पे यही है, यही नहीं है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, हमारी भी कुछ एक जिम्मेवारियाँ हैं।
लड़की उसके साथ इंटरव्यू कर रही है तो ये बोलता है उसको कि मान लीजिए आपके साथ रेप अटेम्प्ट हो जाए, तो बोलते क्या बोले आप, कहता नहीं मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ रेप अटेम्प्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, खुद का बचाव करेंगे ना, एक बार तो करेंगे। तो ये देश तो पूरा मतलब आपका है, अगर इसके ऊपर कोई चीज़ आती है तो आप ये क्यों इंतज़ार करते हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ करेगी, आप अपनी थोड़ी सी ड्यूटी तो समझें ना। तो ये है कि आप बदलेंगे देश बदलेगा, बाकी सारा सिस्टम आपके साथ है, बट हमें थोड़ी थोड़ी एक अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो बस ऐसा चीज़ें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर जैसे ही मैंने जिस तरह की मार्केट में फ्लिप चलती हैं अलग अलग टाइप की, तो मुझे अपने देश के लिए कुछ करना था। मतलब लोग जब भी लोग होते हैं, दो लोग चार लोग इंडिया में एक साथ होते हैं तो किसी की टांग खींचने की बात करते हैं, देश की बुराई की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, अपने देश की प्राउडनेस अचीवमेंट की कोई बात नहीं करता। और इंडिया अपने आप इतना पावरफुल है, इसका यूथ इतना पावरफुल है, दुनिया के 48 कंट्री एक तरफ, इंडिया अपना अकेला एक तरफ, इतनी पावर है, लेकिन सब एकजुट होते ही नहीं है सर। इसलिए मेरे को एक मैसेज देने का आया कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दें ताकि अपने इंडिया पे लोगों को अपने पर प्राउड फील हो, अपने इंडियंस होने पर प्राउड फील हो, इसलिए मुझे आइडिया आया। और लोग अपने बारे में तो सभी करते हैं, लेकिन मुझे समाज और अपने देश के लिए कुछ करना था, इसलिए मैंने ये इंडिया का सर विश्वास दिया। सर आप बदलेंगे देश, देश बदलेगा, मैसेज यही है। ये है इंडिया, एक सामाजिक पहलुओं को मद्देनजर रखकर उन्हीं के ऊपर आधारित फिल्म है, और जिसमें सभी कुछ है, देशभक्ति भी है, एंटरटेनमेंट भी है, गाने भी हैं, म्यूजिक भी है, सारे पहलू हैं। मतलब ये कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट फिल्म के रूप में यदि आप देख सकते हैं तो ये है इंडिया को ही देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया अच्छी लोकेशनों पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है, हम लोग ने तो खैर पार्टिसिपेट किया है इसको, राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस पे इसकी शूटिंग हुई है, और इसका म्यूज़िक जो है राजा हसन जी ने दिया है, और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक दिया है, एक वहाँ का राजस्थान का स्पेशल फोक म्यूज़िक जिसे कह सकते हैं, उस वो दर्शकों को हमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि फिल्म का कंटेंट जो है वो किसी बड़े स्टार कास्ट से कम नहीं। मेरा किरदार इसमें एक गांव के सरपंच का है, जो हीरो का पिता है, और वो उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं, कुछ अपने सिद्धांत हैं, और वो अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। बेटा जो है एक मॉडर्न युग से आता है, और वो कहता है कि मैं जो हमारे देश के जो गांव हैं उनको भी शहर जैसी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। फादर और सन का मतभेद भी है इसमें। 24 मई को और पूरे हिंदुस्तान में रिलीज़ हो रही है, और उसके बाद तो हमारे दर्शकगण ही मेन होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि फिल्म कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, हमारी प्रेडिक्शन से तो कुछ होने वाला नहीं है। हर आदमी जो अपनी फिल्म को बनाता है वो यही कहता है कि हमने फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन दर्शक ही हैं हमारे जो डिसाइडर होते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर उनके हाथ में ही होता है। संदीप चौधरी जी बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और इन्होंने बड़े ही पहली बार इन्होंने बड़े ही शिद्दत के साथ, बड़े ही प्यार के साथ ये फिल्म बनाई है, और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि इनकी फिल्म जो है बहुत बड़ी हिट हो, बल्कि ये हमारी सभी की फिल्म है ना संदीप भाई। आपको इस देश का नागरिक होना कैसा लगता है? सही जवाब है, बस वैसे ही लगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या आप मेरी फिल्में देखते नहीं, मैं क्या करूँ? आप सिर्फ जंक फूड खाते हो तो मैं क्या करूँ, न्यूट्रिशियस फूड भी खाना चाहिए ना कभी कभी। मैंने बहुत सारी फिल्में की है मराठी, आप देखते नहीं तो मैं क्या करूँ। हिंदी भारत की एक भाषा है, राष्ट्रभाषा, इसमें बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बनती है, वो अच्छी भी होती है, लेकिन आपको आदत हो गई सिर्फ हिंदी फिल्म देखने की। हाँ कभी कभी देखिए, अच्छी फिल्में जो बनती है।
के दूसरी भाषाओं में वो भी देखते जाइए, तब हमारे दर्शन आपको होंगे। नहीं है तो आप गूगल कीजिए मोहन आकाशे, सारी रिसेंट फिल्मोग्राफी मिलेगी आपको। हाँ, बहुत दिनों के बाद आपने देखा है तो मैं क्या पूछा, मैंने भी आपको बहुत दिनों के बाद देखा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज ये मेरा बहुत पहला प्रोजेक्ट था। आई हैव बीन लाइक इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी 2015, उसके बाद आई हैव वर्क, बट ये मेरा बहुत पहला प्रोजेक्ट था इन बॉम्बे। सो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। ये देखो, इनका पहला प्रोजेक्ट है और हम अभी बूढ़े हो गए। I'm playing the role of media, जो आप लोग play करते हो, I'm playing it in the film. So, yeah, it's a very... जो आप वहाँ कर रहे हैं ना? मैं वो film में कर रही हूँ. So, it's been a very... नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. I'm showing your voice in the film. So, and something very similar which you do. I'm playing a prime minister you would like to have. Absolutely, absolutely. मुझे मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा इसलिए मैंने मेरा कैरेक्टर प्ले किया। और कोई सवाल है ही नहीं। देखो, हमने सारा फिल्म के बारे में बोल दिया तो आप फिल्म देखेंगे नहीं ना, तो नुकसान होगा हमारा बहुत। अरे अभी बोल, इतने सालों में देखा नहीं बोलते, अभी मुझे रोना आ गया, मुझे रोना आ गया मुझे। मैं बात हिंदी में लग गया था, माफ करो माफ करो। तो आप बोलिए ना लोगों को हिंदी फिल्म में लेने के लिए। नहीं नहीं, बात कर दीजिए, बोल दो हिंदी फिल्म की बात कर। देखो, हिंदी फिल्मों में आपने मुझे देखा नहीं है, इसका सीधा साधा कारण ये है कि मुझे किसी ने पूछा था और इसके ऊपर वो आया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने मोहन आकाशे को ढूंढने की बहुत बड़ी भूल की है। तो आप पढ़ी है वो, और ऐसा है नहीं कि हम जाएंगे तो नहीं ना, पूछेंगे तभी बात करेंगे, तभी तो करेंगे, अगर नहीं पूछा तो कैसे करेंगे। जिन्होंने पूछा है, जिन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं, वहाँ काम किया है। अभी सब तो टाइगर नहीं हो सकते ना, कैसे हो सकते हैं? सारा सारा दूसरा एनिमल भी होना चाहिए ना। और जब ऐसी बोलना, आपको बोलना चाहिए ना, आपको दुख होता है कि नहीं होता कि देखा नहीं इतने सालों में मुझे। हाँ, तो मीडिया ने बोलना चाहिए ना ये कि ऐसा क्या है, ये कैसी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बुजुर्ग है, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, सारे ऐसे यंग कैसे चलेगा? हाँ, सारे लव स्टोरी करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? देश के ऊपर फिल्म बनती है तो देश के ऊपर। थैंक यू। लोगों को भी देखना जरूरी है, और विश्व में जितना इस फिल्म का प्रचार प्रसार हो तो भारत की पहचान हो, और भारत की पहचान विश्व में कराना है तो इस फिल्म को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं महाभारत से बहुत प्रभावित हूँ, और विश्व में हमारी जो ताकत है वो इस फिल्म के माध्यम से भी, जैसे उन्होंने कहा कि सब नेताओं से और अभिनेताओं से दूर रहना चाहिए, तो नेताओं और अभिनेताओं से दूर रहने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर उनसे दूर रहेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आपको उनको करीब रखना है और उनसे सीखना है और उनकी चीज़ों को पब्लिक में बताना है इस फिल्म के माध्यम से, कि नेताओं में बदलाव कैसे हो। फिल्म ही एक ऐसा साधन है कि ये है इंडिया, इस तरह के वातावरण से कुछ नेताओं में भी ऐसी चीज़ें आएँ। जब हम रामलीला, महाभारत इतने आदर्श जैसे सीनों को दिखा सकते हैं, इतनी आदर्श जैसी चीज़ों को दिखा सकते हैं, रामानंद सागर जैसी चीज़ों को दिखा सकते हैं, तो भारत में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और भारत में बदलाव होगा, ये भारत के लोग देखें नहीं, विश्व के लोग देखें, तब भारत में बदलाव होगा। आप भारत की शक्ति को कहाँ मानते हैं? भारत की जो शक्ति है, ब्लड प्रेशर से आप परिचित हैं, शुगर से आप परिचित हैं, शुगर आपका बढ़ेगा और बढ़ना जरूरी है, तो
क्योंकि शुगर को हिंदी में चीनी बोलते हैं, हमारे कैलाश मानसरोवर चीन में, तो हमें चीन से शुगर लेनी है, और प्रेशर पाकिस्तान है, और ब्लड हमारा बांग्लादेश है, और तीनों चीज़ें इंडिया में हैं। तो इसलिए ये इंडिया को मजबूत बनाना है, इस इंडिया को मजबूत बनाना है, तो ये इंडिया देखना है, और इस इंडिया को फिल्म के माध्यम से नहीं, भविष्य में मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर से अपील करना और कि सब लोगों से अपील करना कि इसको एक सीरियल में भी कन्वर्ट करें, ताकि ये इंडिया जो है सदियों तक चलता रहे और लोग समझते रहें। लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है, और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सारे गाने जो हैं लॉन्ग रश के साथ मिलकर हमने मुझे लॉन्ग मेरा दोस्त है जयपुर, तो ऐसे ही बैठे बैठे जयपुर मेरे लिए म्यूजिक बना रहे बस लाइक मैं म्यूजिक मैं सिंगर दैट टाइम आई वॉज माई मूवी मतलब मैं अपनी मूवी कर रहा था राजस्थानी मूवी कर रहा था तो उसके गाने मैंने ऐसे ही सुना दिए थे लाइक चलो ठीक है मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं बॉलीवुड टाइप बना सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की और कोशिश करने के बाद तो थोड़ी बहुत हमारे कानों तक के लिए तो कामयाब है। अब ऑडियंस के कानों में कामयाब होगी या नहीं होगी तो ऑडियंस बेहतर क्योंकि चलता है ना वही फैसला करेगी सुन के कैसा लगा कैसा लगा मूड की बात है। कौन कौन जो मूवी गाने का सही इसमें फोक है लव सॉन्ग भी है और लव सॉन्ग भी है देन सिमल्टेनियसली एक साइया करके गाना है बहुत ही सूफी टाइप का है वो बहुत खूबसूरत चाय पाई नहीं गाया है चाय वो गाना अच्छा हाँ मैंने भी थोड़ा बहुत मेरा म्यूजिक है मैंने बोला करके एक वो गाना रिटन बाई माई फादर सारे सर तो उन्होंने लिखा था तो मैंने कहा पापा मैं इसको कंपोज करना चाहता हूँ मैंने कंपोज दैट सॉन्ग राजस्थानी स्टाइल है सो वो तो आप सुनेंगे जब म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप सबको पसंद है और साइया साइया जावेद भाई ने बहुत अच्छा गाया है एक गाना नहीं हटा कर दिया है मेरा और शानदार गाना उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया मुझे क्योंकि मैं पहली बार म्यूजिक कर रहा इन सब चीज़ों से मैं अवेयर ही नहीं था कि किसी को गाने गवाने हैं मैं अपने म्यूज़िक के टाइम पे जब बना रहा था तो मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था बट वंस यू आर वर्किंग फॉर अदर पर्सन किसी और के लिए जब आप काम करते हो तो आपकी जिम्मेदारियाँ पता पड़ जाती हैं तो उन जिम्मेदारियों में मेरा साथ दिया जितने भी सिंगर्स हैं जिस जिसने गाना गाया और मेरे जो प्रोग्रामर्स हैं जो मेरे अरेंजर हैं उन लोगों ने मेरा साथ दिया तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और नाम देखते हुए पसंद आए बस ऊपर वाले से यही उम्मीद है कि आप लोगों के कानों को अच्छा लगे जी। फिल्म का प्रोमो बहुत ही इम्प्रेसिव है और आजकल जैसे इलेक्शंस चल रहे हैं सो इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन फिल्म इज रिलीजिंग सो ये भी एक बहुत अच्छी बात है और फिल्म के बारे में जो भी चीज़ दिखाई गई है 100% लाइक सच है हमारे देश में क्या होता है कैसा होता है और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं बिल्कुल सही बताया गया इसको इन दिनों पर्सनली मैं तो एम डूइंग अ टीवी शो कॉल्ड रूम ऑन कलर्स एंड इलेक्शन चल रहे थे आई एम गोइंग टू माय होम टाउन धर्मशाला फॉर वोटिंग 19 को वोट है वहाँ सो आई बी गोइंग देयर और साथ साथ में एम टी वी पे मेरा शो आता है बॉक्स क्रिकेट रियलिटी शो वो चल रहा है जी। प्रोमो बहुत ही अच्छा है केवी चहल अच्छे से छा गए एंड जितना भी प्रोमो में दिखाई दे रहा है It's been shot very beautifully. All the actors have performed brilliantly. बहुत ही hard hitting film है and बहुत सारे issues हैं हमारे country के जिसको ये film hit करेगी and I'm sure it's gonna be a big thing. और एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि direction बहुत अच्छा है फिल्म का मिस्टर रोहन बॉस जो कि बहुत प्रिय मित्र हैं हमारे बहुत अच्छा direction किया और हमारे जो भाई हैं मिस्टर कैवी चहल उन्होंने बहुत अच्छे से अपना किरदार निभाया है सो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाइए और फिल्म को देखिए अपना प्यार दीजिए एक बदलाव जो मैं करना चाहूँगा मेरे अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी जो हमारे देश की है
स्टेरियोटाइप्स को ख़त्म करना चाहिए. लाइक अगर अमीर है तो कुछ लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं, गरीब हैं तो कुछ लोग ऐसे गरीब हैं कि लाइक वो दो टाइम की रोटी नहीं खा सकते. सो देयर शुड बी एन एंड टू पॉवर्टी. मैं ये नहीं कह रहा कि गरीबी एकदम से ऐसे हट जाएगी, बट तरीके से लाइक सरकार को ये तरीका अपनाना चाहिए कि सबको पॉवर्टी एंड करनी चाहिए. किस तरह से दे नो इट बेटर. फर्स्टली मतलब मेरे को लगता है हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. बट द प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग इज़ एजुकेशन. आई फील जितने ज़्यादा एजुकेटेड हमारे सिटीजन्स होंगे उतने अच्छे से हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स को डील कर पाएंगे. सो आई फील एजुकेशन इज़ द प्राइम प्रॉब्लम. सो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि पॉवर्टी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं उनको शिक्षा के लिए वो शिक्षा नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द मनी, पैसे के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते. सो एजुकेशन होगी, एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड होगी, नेचुरली देयर बी लाइक मच मोर सक्सेस इन देयर लाइफ एंड एवरीवन विल बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज नॉट हैपनिंग. आलोक नरूला जी को भी चेंज होना चाहिए, हमारा देश बेटर हो जाएगा. मुझे किस वे में चेंज होना चाहिए?